कृष्णाय वयं नमः। विजयते श्री कल्याण राय प्रभु श्रेष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री द्वारकेशलाल जी महाराज की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में सीजन 4 के अंतर्गत आज हम दूध घर में बनती सामग्री में बैंगन का रायता देखेंगे। जो उत्सव में तो बैंगन का रायता प्रभु को रोगा ही जाता है और अभी विशेष रूप से बैंगन दशमी आएगी तो तभी भी हम प्रभु को विविध सामग्री बैंगन की सिद्ध करके धर सकते हैं। तो जो दूधघर धर रहे वैष्णव भी बैंगन का रायता फिर बैंगन का जो पल्प है उसमें से पूरी मांड के पूरी वगैरह सिद्ध करके प्रभु को धर सकते हैं। तो देखते हैं हम बैंगन की जो रायता है वो बनाने की विधि। यहाँ पर सामग्री में मैंने 100 ग्राम बैंगन लिए हैं, उसके बारीक टूक करके जल में भिगो दिए हैं, नहीं तो श्याम हो जाते हैं। और इसके अलावा राई का भूखा, मस्टर्ड सीड्स जो है जिसे हम रोज़ तड़के में यूज़ करते हैं उसे मिक्सी में पाउडर कर लेना है, अध कचरा पाउडर। इसके अलावा श्याम तीखा का भूखा, ब्लैक पेपर पाउडर और तेल और सेंधा नमक, थोड़ी सी धनिया, इतनी सामग्री लेंगे हम। शुरू करते हैं हम बनाने की विधि। और रायता है तो दही तो हम लेंगे ही। बैंगन के रायते के अलावा इसी रीत से हम दूधी में से भी रायता सिद्ध करके धर सकते हैं। और अगर हमारे पास आँच पे चढ़ाने का जितना समय ना हो तो ककड़ी को भी हम घिया किस करके और इसी प्रकार से रायता सिद्ध कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें बैंगन पधराएंगे। बैंगन के मैंने टूक कर लिए हैं ऐसे और इसे जल में भिगो के रख दिए हैं। हम सेंधा नमक पधराएंगे। इसे मध्यम आंच पर हमें भूनना है जब तक ये बढ़िया से नरम ना हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरे के पूरे गल जाए। इसके जो टूक है वो मेंटेन रहे और ये गल जाए, उस तरह से हमें सिद्ध करना है। क्या आप जानते हैं पुष्टि टीवी का जो चैनल में हमारा जो सामग्री का प्लेलिस्ट है उसमें सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और जो सीज़न 4 चल रहा है वो सारे वीडियोस हम गिनेंगे तो लगभग 65 से 68 जितनी सामग्री की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। तो आप ज़रूर से सारी सामग्रियाँ देखिए, लगभग वर्ष भर की सारी सामग्रियाँ आ गई है। तो इसलिए हमने ये एक नया प्रयास शुरू किया है जिसमें हम दूध घर में जो सारी सखड़ी की जो सामग्री है दूध घर में कैसे सिद्ध करी जाए वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री ने जो सेवा के प्रकार में चित्र जी का सेवा प्रकार, लालन का सेवा प्रकार पूर्ण रूप से दिखाया है जो पुष्टि टीवी पर हमने अपलोड किया है, तो आप अवश्य इसका लाभ लें और इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें तो जो दूसरे वैष्णव है उनको भी ये वीडियो के लाभ प्राप्त हो। जो बैंगन है वो बढ़िया से सीज गए हैं, आप एक दबा के देखेंगे तो पूर्ण रूप से गल गए हैं, लेकिन इसका जो शेप है वो मेंटेन रहा है। तो अब हम आंच बंद कर लेंगे। अब इसमें श्याम तीखा का भूखा पधराएंगे, थोड़ा सा राई का भूखा। इसे हमें 2-5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, फिर इसमें हमें दही पधराना है, नहीं तो जो हमारा दही है वो फट जाएगा। अब हम इसमें दही पधराएंगे। दही बहुत खट्टा नहीं लेना है हमें।
इसे हम अब हम साजेंगे। ढेर सारी हरी धनिया पधराएंगे इसमें। इस तरह हमने आज दूध घर में बैंगन का रायता सिद्ध किया है, जो बहुत झटपट बन जाता है। और बैंगन तो पूरे वर्ष भर हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें चातुर्मास में प्रभु को नहीं अरोगाने हैं। तो बैंगन दशमी अभी आ रही है, तो तभी आप अवश्य रूप से सिद्ध करके प्रभु को अरोगाइए। तो ऐसी सामग्री के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।